कलेक्टर साहब की सादगी देख आप भी ये सोचेंगे कि काश ऐसे कलेक्टर आपके जिले के भी होते। तो एक बार फिर अपनी सादगी की वजह से दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर चर्चा में आ गए हैं। तो मामला था एक स्कूल के निरीक्षण का, लेकिन स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क का हाल जब कलेक्टर साहब ने देखा तो पहले तो कच्ची सड़क से ही एक बाइक पर बैठकर स्कूल पहुंचे और उतरते ही पहले पक्की सड़क के सुधार के निर्देश अधिकारियों को दिए। फिर कलेक्टर साहब ने स्कूल का निरीक्षण किया, मिड डे मील का स्वाद चखा तो उसकी क्वालिटी तो ठीक थी। इसके बाद पढ़ाई लिखाई की कलेक्टर साहब ने बच्चों और टीचर से जानकारी ली। आज मैंने मिडिल स्कूल और हाई स्कूल दोनों का विजिट किया है। मिडिल स्कूल में बच्चों से बात की, स्कूल के टाइम टेबल करिकुलम के बारे में चर्चाएं की। देखने में आया कि किताबें सभी बच्चों के पास बराबर पहुंची हैं और ये एक अच्छा प्रयास रहा है प्रशासन का कि शुरुआत में ही सत्र के सभी बच्चों के पास किताबें हैं। मेरे पास कहीं से शिकायत नहीं है कि बच्चों को किताब नहीं मिल रही। यद्यपि कुछ बच्चे मुझे गणवेश में नहीं दिखे तो मैंने इन लोगों को निर्देशित किया है कि जिन बच्चों के माता पिता के खाते में गणवेश की राशि नहीं पहुंची है और वो शिकायत कर रहे हैं उनके खातों में अविलंब राशि पहुंचाई जाए, और जिनके खातों में राशि पहुंच गई है लेकिन उन्होंने अभी तक गणवेश नहीं सिलवाए हैं उनको PTM जो होती है पेरेंट टीचर मीटिंग में लगातार उनको बताया जाए, घर तक संदेश पहुँचाया जाए, पेरेंट्स को तकादा किया जाए कि आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चों की ड्रेस बनवा लें। मैंने वहाँ पर मध्यान्ह भोजन भी देखा, क्वालिटी मुझे ठीक लगी। इसके अलावा वहाँ पर CSR मद में कुछ कमरे बनने हैं, सो उसके लिए दो पुराने कमरे जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको तोड़ करके उस जगह पर बनेंगे, लेकिन जो क्षतिग्रस्त होना है वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी। मैंने निर्देश दिए हैं कि एक हफ्ते के अंदर ये क्षतिग्रस्तता की कार्रवाई कंप्लीट करा ली जाए ताकि नए चार कमरे जो CSR मद से बनने हैं उसका निर्माण कार्य पूरा हो सके। बता दें कि बीते दिनों दमोह के कुछ सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील के खाने में गड़बड़ी की खबरें कलेक्टर तक पहुंची थी, जिसके बाद कलेक्टर साहब ने खुद दो दिन सरकारी स्कूल के निरीक्षण और मिड डे मील चखने की योजना बनाई, जिसके बाद वो कुछ इस अंदाज में स्कूल तक पहुंचे। फिलहाल कलेक्टर ने रोड सुधार के निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन ये प्रशासन की बड़ी नाकामी है जो अब तक स्कूल के बच्चे इस रोड से गुजरते रहे। सोचिए बारिश में भी ऐसी सड़क से कलेक्टर साहब तो बाइक पर बैठकर चले गए, बच्चे कैसे स्कूल पहुंचते होंगे। दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट, MP तक।